नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस बार प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चुनावी प्रचार अंतिम चरण में थमने के बाद यहां बता दें आपको, जहां स्वामी विवेकानंद ने तपस्या की थी वहां पर होगा। स्वामी विवेकानंद की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां ध्यान करते नजर आएंगे। उस जगह का नाम है विवेकानंद मेमोरियल, जहां से स्वामी विवेकानंद ने अन्य यहां पर प्रदेशों का भ्रमण करने के बाद यहां ध्यान किया था और यहां से उन्हें भारत के विजन को शक्ति देने की ताकत मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता दें आप 30 मई को शाम के 5 बजे सातवें चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार का जोर थम जाएगा और इसी शोर थमने के बाद बता दें आपको, प्रधानमंत्री उसी रात निकल जाएंगे कन्याकुमारी और कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री 31 मई को विवेकानंद रॉक पहुंचेंगे, पूरे दिन ध्यान लगाएंगे। पिछले आम चुनाव में प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की जो फोटो वायरल होती है आज तक वो सोशल मीडिया पर छाई हुई, वो है आपको बता दें केदारनाथ का रुद्रकक्ष, जहां से पीएम मोदी की फोटो वीडियो वायरल हुई थी जहां पीएम मोदी ने ध्यान किया था। दर्शकों, ये ध्यान का मतलब है कि आने वाले भारत के भविष्य के लिए प्रधानमंत्री को इतनी मेहनत करनी है, इतना काम करना है। और देखिए, आने वाले भविष्य के लिए मैं इसलिए कह रही हूं कि देखिए बीजेपी नारा दे रही है और तमाम सट्टा बाजार देख लीजिए, बड़े बड़े आंकड़े देख लीजिए, बड़े बड़े चुनावी रणनीतिकार विश्लेषक सब कह रहे हैं कि मोदी लौटने वाले हैं। हालांकि हम इंतजार 4 जून को करेंगे, लेकिन चुनावी प्रचार थमने के बाद आप समझ जाइए एक बार फिर से भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, भारत के विजन को क्लियर करने के लिए प्रधानमंत्री कन्याकुमारी पहुंचेंगे। बता दें आपको, रुद्र गुफा में जब से उन्होंने ध्यान लगाया था उसके बाद कहा जा रहा है कि यहां ध्यान लगाने से जो मन एकाग्रचित होता है उससे आपको शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है और प्रधानमंत्री हमेशा ही ध्यान में मग्न रहते हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा विदेश घूमने की आदत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री कामों से जरूर जाते हैं, लेकिन जब बात आती है कि आपको कुछ ठोस यहां पर फैसले लेने होते हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री का आहार भी सात्विक होता है। प्रधानमंत्री हमेशा ध्यान मेडिटेशन करते नजर आते हैं और कहा जाता है कि मेडिटेशन में दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति छिपी हुई है। बता दें आपको, प्रधानमंत्री जिस विवेकानंद मेमोरियल में जाने वाले हैं, आस्थाएं तो ये तक मानती है कि भगवती पार्वती ने एक पैर पर वहां भगवान शंकर के लिए ध्यान लगाया था और उसके बाद वो फेमस हुआ, उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने वहां पर ध्यान लगाया, इसी वजह से वो जगह विवेकानंद मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। बता दें आपको एक और बात, झारखंड पहुंचे यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुमका में जमकर प्रचार प्रसार किया बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के लिए और आदिवासियों के हक को छीनने की बात पर कांग्रेस सरकार इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला, कहा आदिवासियों की बेटियां सुरक्षित नहीं है क्योंकि इन्होंने नक्सलवाद लूट खसोट और जिस तरीके से वहां पर, अभी आपने देखा होगा एक मूवी आई थी, किस तरीके से छत्तीसगढ़ के यहां पर नक्सलवाद को दिखाया गया था, कैसे वहां पर अभी भी अत्याचार होता है, कैसे वहां पर जिस तरीके से दिन दहाड़े लूट होती है, डराया धमकाया जाता है, आप आजाद भारत में झंडा नहीं फहरा सकते। मैंने खुद वो मूवी देखी, बस्तर जिले की मैं बात कर रही हूं। तो देखिए, पूरे झारखंड की बात करें तो पूरे झारखंड में खनिज संपदा का ढेरों यहां पर भंडार है और कहा जाता है कि खनिजों में सबसे रिच स्टेट झारखंड आता है और झारखंड में लूटने खसोटने का काम मचा हुआ है। और देखिए क्या कह रहे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों को लगाम लगाएंगे। इन्होंने बीजेपी की योजनाओं का विरोध किया, इन्होंने आदिवासी इतिहास को सामने नहीं आने दिया, इंडी जमात ने आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति चुनाव हरवाने के लिए भी सारी ताकत झोंक दी थी। साथियों, इंडी गठबंधन के लिए सिर्फ अपना वोट बैंक जरूरी है, उसे आदिवासी समाज के हितों से कोई लेना देना नहीं है। जहां जहां ये लोग सत्ता में आए, आदिवासी समाज और संस्कृति खतरे में पड़ गई, आदिवासियों के खिलाफ इनके हथियार है नक्सलवाद, घुसपैठ,
और तुष्टीकरण। आप याद करिए, जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, नक्सलवाद फलता फूलता रहा, हमारे होनहार बच्चे, इनका जीवन बर्बाद होता रहा, उन बच्चों की माताएं आंसू बहाती रही, बेटा चला गया। नक्सलवाद की आग में सबसे ज्यादा कौन जला? अगर नक्सलवाद की आग में सबसे ज्यादा कोई जला है तो मेरा आदिवासी परिवार जला है। अब झारखंड में एक बड़ा संकट घुसपैठियों का हो गया है। हमारा ये संथाल परगना तो बहुत ज्यादा घुसपैठियों की चुनौती से जूझ रहा है। इसका परिणाम क्या हो रहा है? कई इलाकों में आदिवासियों की संख्या तेजी से कम हो रही है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। आदिवासियों की जमीनें घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? साथियों, हमारी आदिवासी बेटियां घुसपैठियों के निशाने पर आई है कि नहीं आई है? बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी है कि नहीं पड़ी है? बेटियों का जीवन खतरे में है कि नहीं है? 50-50 टुकड़े करके बेटियों की हत्या हो रही है। किसी आदिवासी बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, किसी आदिवासी बेटी की जुबान खींच ली जाती है। आदिवासी बेटियों को निशाना बनाने वाले ये कौन लोग हैं? पीएमएम और कांग्रेस झारखंड को हर तरह से लूट रहे हैं। आप देखिए, यहां इतने खूबसूरत पहाड़ है लेकिन झारखंड की चर्चा ये खूबसूरत पहाड़ों से नहीं हो रही है। झारखंड की चर्चा नोटों के पहाड़ के लिए हो रही है। कहीं नोटों का पहाड़ 19 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 35 करोड़, कहीं नोटों का पहाड़ 300 करोड़। भाई बहन, मैं आपको बताता हूं, मैं तो प्रधानमंत्री हूं ना, 13 साल मुख्यमंत्री रहा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से नोटों का पहाड़ कभी देखा नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा। ये कितने बड़े मगरमच्छ है आप देखिए। जीएमएम कांग्रेस वालों के यहां नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा आ रहा है शराब के घोटाले से, ये पैसा आ रहा है करोड़ों रुपयों के टेंडर के घोटाले से, ये पैसा आ रहा है खान खनिज खनन घोटाले से। अकेले साहिबगंज जिले में 1,000 करोड़ के खनन घोटाले का पता लगा है। साथियों, इन लोगों ने जमीनें हड़पने के लिए अपने माता पिता का नाम बदल दिया। अब गरीबों आदिवासियों की जमीन कब्जा की जा रही है। सेना, हर कोई जिसका सम्मान करते हैं, इन लोगों ने सेना तक की जमीन को, उसको भी लूटा। आपको झारखंड को इन लोगों से मुक्ति दिलानी ही होगी।
भाइयों और बहनों, जीएमएम वालों ने आपकी थाली का राशन लूट लिया है, उनको शर्म नहीं आई। मोदी लौटने वाला है, मोदी ही सत्ता में आएगा और मोदी लौटने वाला है, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका में। और दुमका में उन्होंने जमकर इंडिया गठबंधन को खरी खोटी सुनाई। कह रहे हैं इन लोगों का केवल एक काम, जमीन हड़पना, माता पिता का नाम बदलकर जमीन हड़पना, अपनी पहचान छुपाना और पूरे झारखंड में अराजकता फैलाना। बता दें आपको, यहां पर दुमका एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का जमकर स्वागत किया, जहां पर उन्होंने बोला झामुमो पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके मेन लीड रहे हैं शिबू सोरेन और उनके बेटे हेमंत सोरेन अभी जेल में हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। सबने कहा कि केजरीवाल छूट गए तो ये भी छूट जाएंगे। हालांकि केजरीवाल के जमानत मिलने पर बड़ी जनता में आक्रोश था, लेकिन साथियों 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, बीजेपी दलित वंचित आदिवासियों के लिए समर्पित है, समर्पण भाव से काम करती है, सेवा भाव से काम करती है, हो सके उतनी सेवा करती है। हमने आदिवासी कल्याण के लिए 4 गुने से ज्यादा बजट बढ़ाया। हम जनजातीय इलाके में 400 से ज्यादा एकलव्य आवासीय विद्यालय बना रहे हैं। आदिवासी इलाकों में खनिज का पैसा आपके बच्चों के लिए खर्च हो, हमने इसके लिए कानून बनाया। हमारी सरकार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जनता जो है वो कभी नकारती नहीं है। माननीय हमारे सर्वोच्च न्यायालय में वो आता है, सर्वोच्च न्यायालय वो भारत का। और देखिए, यहां पर बातचीत करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोग कह रहे थे कि क्या झारखंड में हेमंत सोरेन जो इतना जमीन घोटाला करके बैठे हैं, क्या उनको भी फ्री कर दिया जाएगा, जमानत दे दिया जाएगा? लेकिन देखिए, उनको तो नहीं मिला। और इसी हेमंत सोरेन पर जमकर बरसे पीएम मोदी। उन्होंने बोला JAM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने मिलकर यहां नोटों के पहाड़ यहां पकड़े जा रहे। दर्शकों, आपको याद होगा झारखंड से ही कांग्रेस नेता की आवाज से इतने बंडल मिले थे, अभी पिछले 2 महीने पुरानी बात है, जो सब हैरान थे और खुद अधिकारियों के होश उड़े थे इतने नोटों का जखीरा देखने के बाद। तो झारखंड में तो ये आम बात हो गई है अब। और यहां कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा जमीन हड़पने के लिए माता पिता का ये नाम बदल लेते हैं, इंडिया गठबंधन को केवल वोट बैंक जरूरी, घुसपैठियों के कारण आदिवासी बेटियों की सुरक्षा खतरे में है, इंडिया गठबंधन ने देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्मूला अपना लिया है और 10 साल में घोटालों पर अंकुश लगा है मेरे कार्यकाल के दौरान। देख रहे होंगे आप, ईडी सीबीआई बहुत छापेमारी कर रही है आजकल। हालांकि नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाता है कि इन्होंने सब खरीद लिया है और इनके अंतर्गत सरकारी एजेंसियां काम करती है। लेकिन हाल ही में मैं एक इंटरव्यू दे रही थी जाने माने देश का सबसे नंबर 1 चैनल आज तक पर, जो इनसे पूछा गया कि आपके ऊपर आरोप है ईडी सीबीआई को लेकर, तो कहा ईडी सीबीआई को लेकर जो आरोप है मैं नहीं मानता, क्योंकि हो सकता है कि मेरे आने से इनका काम बढ़ गया हो। तो आपने देखा होगा इनका इंटरव्यू बहुत वायरल भी हुआ था। और ये रहे नरेंद्र मोदी। इसका सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ? हमारे गांव, गरीब और दलित आदिवासी परिवारों को हुआ। हमारी माताएं बहनें जिन्हें पहले की सरकारों ने पूछा तक नहीं, मोदी ने उन्हें पूजा है। हमने उनका जीवन बदला, उनकी परेशानी दूर की। भाइयों और बहनों, जो काम 10 साल में हुआ है, अब अगले 5 साल
उसे और आगे बढ़ाना है। अगले 5 साल में 3 करोड़ माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने का मेरा संकल्प है। चार जून के बाद नई सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद मैं 3 करोड़ और मकान बनाऊंगा, पक्के घर गरीबों के लिए बनाऊंगा। कन्याकुमारी जाएंगे, कन्याकुमारी में ध्यान लगाएंगे। चुनावी प्रचार थमने के बाद आप समझ जाइए, हालांकि रिजल्ट आने तक भी हेक्टिक शेड्यूल रहता है, लेकिन वहां पर 2 दिनों के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, ध्यान लगाएंगे, एक उज्जवल भविष्य के लिए भारत की कामना करते दिखाई देंगे। आपको एक खबर कैसी लगी जरूर राय रखिएगा। शुक्रिया।